क्या है हमारे पास? तो यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा सा टमाटो, थोड़ा सा पीस, थोड़ी सी कैरेट और यहाँ थोड़ी सी कैबेज, थोड़ा सा कुकुम्बर और यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर। तो अब मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं ये प्लेट उसके सामने रखूंगी और फिर देखते हैं वो सबसे पहले कौन सी चीज उठाएगी। तो चलिए गिनू के पास चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया था गिनू के डिनर का टाइम और वो रेडी थी ये सारी चीजें ट्राई करने के लिए। तो बस अब मैंने उसके घर का गेट खोला और वो आ गई इधर, बट मैं इतनी आसानी से उसको प्लेट नहीं दूंगी। और वो ट्राई कर रही थी कि कैसे वो प्लेट ले सके, वो बार बार आ रही थी जा रही थी। मैंने उसको एक कुकुम्बर का पीस भी दिखाया था और फिर टमाटो का भी दिखाया ताकि इसको पता चले थोड़ा बहुत। अब वो आई आ गई, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और यहाँ तो उसने प्लेट ही पकड़ ली थी, उसने दांत से प्लेट ही चबाने की कोशिश की थी। फिर मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वो प्लेट भी ऐसे चढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी वो, फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अब मैंने सोचा कि प्लेट उसको दे ही दूँ। तो हाँ, अब मैं यहाँ पे उसको बुला रही थी अपने पास और वो आई। उसने सबसे पहले जो उठाया था वो कैबेज था और यहाँ पे उसने अपना खाना स्टार्ट कर दिया था। और मैं सीरियसली बताऊँ, इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी उसके खाने की कि बस मैं उसको अभी अपनी गोदी में ले लूँ, पर मैंने अभी गोदी में नहीं लिया, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाती, खा लेने देते हैं फिर उसे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड में मैंने इसके च्यू करने की ये सारी वेजीज की इतनी प्यारी आवाज़ डाली है, जस्ट लाइक एन ASMR स्टाइल। और हाँ, इतनी क्यूट आवाज़ है, आप सबका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तक मैं वेजीज को लगा रही थी लाइन से, तब तक इससे वेट ही नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो इसने अपने घर को कैसे, मतलब कि खोलने की कोशिश कर रही थी इतनी ज़्यादा, मतलब जल्दी से जल्दी इसको बस बाहर निकाला जाए और ये पूरी प्लेट चट कर जाए। और यहाँ पे मैंने सारी वेजीज लाइन से लगा दी थी और यहाँ मैंने इसका गेट भी खोल दिया था, नहीं तो मुझे लगा था आज ही गेट खा के ही मानेगी और मेरे को इसके लिए नया घर लाना पड़ेगा। तो इसने सबसे पहले तो कैबेज खाया फिर ये घर से आई और इसने टमाटो खाना शुरू कर दिया। तो सेकंड नंबर पे इसका फेवरेट आ गया टमाटो। और अब इसने कुकुम्बर उठाया तो कुकुम्बर इसका थर्ड नंबर पे हो गया। फिर यहाँ मेरे साइड में प्लेट रखी थी तो चुपके चुपके से जाके प्लेट लेने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो सिस्टम आ रही है क्या? चलो आगे।
उसके डेंटल खाती है, पत्ती नहीं खाती है। डेंटल खाती है। ये खाएगी क्या गीना? एक बजे प्लेट दी कर दो। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी माइक अपना, ताकि मैं इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकूं, पर ये माइक को देख के डर गई थी। फिर ये थोड़ी देर में आई थी वापस, वहाँ पे जाके इसके घर के पास जाके खाने लगी थी। फिर यहाँ पे आई ये और मैंने ट्राई किया कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं इसकी आवाज़, और इतनी प्यारी आवाज़ है।
तो ये था मेरा ब्लॉग नंबर 2 अ डे विथ माय गिनी पिग। और अगर आपके पास भी गिनी पिग है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।